नमस्कार, मैं पूजा गौर, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। साल 1989 में बॉलीवुड में एक ऐसी अभिनेत्री ने एंट्री की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से सिनेमा जगत में एक बड़ी पहचान बना ली। ये अभिनेत्री हैं सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री। आज उनका जन्मदिन है और वो इस साल अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं। एक जोरदार धमाके के साथ अपने भाग्य का उदय करने वाली भाग्यश्री का भाग्य बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सका। बहुत जल्द ही उन्होंने फिल्मों से वापसी कर ली। उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। 23 फरवरी 1969 को महाराष्ट्र के शाही परिवार पटवर्धन में जन्मी भाग्यश्री का पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है। उनके पिता का नाम मेहरबान श्रीमंत राजा विजय सिंह राव माधोराव पटवर्धन है। भाग्यश्री ने अपना फिल्मी सफर 1989 में सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू किया और अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। हालांकि पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्में दी। भाग्यश्री का एक्टिंग के क्षेत्र में आना एक इत्तेफाक था। इसे भाग्यश्री का भाग्य ही कहेंगे कि उनके पड़ोसी और मशहूर टीवी एंकर अमोल पालेकर ने उनसे अभिनय करने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने कच्ची धूप नाम के एक टीवी शो में काम करना शुरू किया। भाग्यश्री का ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और देखते ही देखते भाग्यश्री लोगों की चहेती बन गई। मनमोहक मुस्कान और कातिल अदाओं वाली भाग्यश्री ने अपने बचपन के दोस्त हिमालय दसानी के साथ शादी की। शादी के बाद वो अपने पति के साथ 3 फिल्मों कैद में है बुलबुल, त्यागी और पायल में नजर आई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने शर्त रखी थी कि उनकी फिल्मों में उनके पति ही हीरो होंगे। भाग्यश्री के बाद बॉलीवुड के कई निर्देशकों के गले से नहीं उतरी और धीरे धीरे वो बॉलीवुड से एकदम गायब हो गईं। जिसके बाद वो साल 2001 में फिल्म हेलो गर्ल्स में दिखाई दी, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद उनके फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लग गया। वो अपनी फैमिली में बिजी हो गई। हालांकि भाग्यश्री ने अभी तक हार नहीं मानी है और थोड़े थोड़े अंतराल में वो फिल्मों में कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती हैं। भाग्यश्री ने अपने छोटे से करियर में खूब चर्चाएं बटोरी हैं। भाग्यश्री को उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। शुरुआती दिनों में सलमान के साथ उनके अफेयर की खबरें भी सामने आई थी। ये थी भाग्यश्री के करियर से जुड़ी नई जानकारी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।